सकती है। और ये टायर आप देख सकते हो कितना मॉन्स्टर लुक दिख रहा है। सो या डेफिनेटली गाइज गो फॉर इट और आप ले सकते हो। और इसको भी आप सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ये चैनल आपको दिख रहा है, इसमें मैं ऐसे कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ। और ये इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम है, यूट्यूब पे भी सेम नेम है, तो जाके आप विज़िट कर देना। अरे आप आ गए सजा गए। एक्चुअली ये मैं जो कर रहा हूँ, बेसिकली अभी जो काम कर रहा हूँ, दैट इज़ आर क्लीनिंग प्रोसेस। जब मैंने बुलेट परचेस किया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2021 ये मंथ में, सो तभी मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे मेरे बुलेट में। सो तभी ये जो टायर है, कंपनी टायर है, ये मैंने वैसे के वैसे गाड़ी से टायर निकाले थे और मेरे घर पर रखा था स्टोर रूम में। सो अभी मैं इसको थोड़ा लुब्रिकेशन और ऑयलिंग कर रहा था बिकॉज ये जो आप स्पोक देख रहे हो, सो ये स्पोक में मैंने देखो अभी लुब्रिकेट करके रखा हुआ है, यू कैन इफ़ यू कैन सी दिस। सो ये जो स्पोक्स है, स्पोक को गंज ना लग जाए या फिर ये ख़राब ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको लुब्रिकेट करके रखा था दोनों टायर्स को। सो इसको लुब्रिकेट पहले करूँगा, उसके बाद इसको फिर स्टोर रूम में रख दूँगा बिकॉज ये मेरे लिए एसेस तो कुछ यूज़ नहीं है बिकॉज मैं मेरे गाड़ी में फिर से मॉडिफिकेशन नहीं करने वाला हूँ। और मैंने ये स्पोक निकालने का मेरा पर्पज़ यही था कि मुझे मैकविल मैंने डाला है और प्लस मैंने ट्यूबलेस टायर मैंने डाले थे, उसके लिए मैंने ये पर्पज़ लिए, मैंने ये विड्रॉ किए। इसका पर्पज़ यही था कि मुझे स्पोक व्हील हटाना था मेरे बुलेट से बिकॉज इसका जो साइज़ है, इफ़ यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो साइज़ इसका बहुत छोटा है। सो मेरे बुलेट पर वो साइज़ उतना ठीक नहीं, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज मैंने जो लिया था ES 350 ES मॉडल मैंने लिया है। सो उसमें ये मेरे को टायर, वैसे कंपनी ने तो कुछ सोच समझ के टायर दिए होंगे, बट ये टायर मुझे बल्कि बहुत मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मॉडिफिकेशन किया था मेरे बुलेट 350 ES में, जिसका मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो क्या क्या मॉडिफिकेशन किए थे और आपको मेजर मॉडिफिकेशन जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं आपको एक इसमें ऑफ़र करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको रियली में इस टायर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको पसंद है टायर्स, सो गाइस डू वन थिंग, अगर मेरे लिए तो ये इसका कुछ यूज़ नहीं है बिकॉज मैं मेरे बुलेट में फिर से लगाने नहीं वाला हूँ, तो मैं आपको ये फ्री में दे दूँगा। आपको अगर इंटरेस्ट है और आपको सच में इसका रिक्वायरमेंट है, मैं नीडी पर्सन को ही देने वाला हूँ बिकॉज मैं इसका कॉस्ट में मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मुझे इसका कॉस्ट दे या फिर मुझे कुछ कोई पैसा दे, मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए। आपका अगर गाड़ी में इसको यूज़ होगा और आपको अगर ये बहुत इसका एक्चुअली इंटरेस्ट है, सो यू कैन गेट दिस। मेरा आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप आपका एड्रेस दे देना, मैं आपको ये कुरियर कर दूंगा, सिर्फ कुरियर चार्जेस आप पे कर देना। अगर आप नियर बाय आप यहाँ पे रहते हो गोरेगांव में या जोगेश्वरी अंधेरी टूवर्ड्स इन मुंबई, आप कहाँ पे भी रहते हो, अगर आपको सच में खरीदना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, मैं मेरा एड्रेस दे दूंगा आपको, आप यहाँ से आके गोरेगांव से ले जाइए। सो गाइज अभी अपन मैं एक्चुअली मेरे टायर से शूट कर रहा था, इसका टायर्स का जो एक्चुअली शूट है, तो अभी अपन एक्चुअल फील्ड पर जाते हैं। सो या गाइज अगर आप ये देखना चाहोगे तो दिस इज़ आर C8 का टायर्स है और यहाँ पे साइज़ लिखी हुई है 19 3.25 और मैक्स स्पीड और ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्स लोड 212 केजी तक ले सकता है ये। और यू कैन सी दिस F61। सो ऐसा कुछ ये मेरा ये एक फ्रंट टायर है और ये बेसिकली रेयर टायर है। सो रेयर टायर की भी आप स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, 3 2 5 19, ये भी 19 की ही इसकी साइज़ है और मैंने जो मेरे बुलेट में लगवाया है दैट इज़ 18 का साइज, थोड़ा हाइट कम किया है मैंने। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, 250 ग्राम देख सकते हो आप मैक्स लोड, यू कैन लोड इट 250 ग्राम किलोग्राम सिक्योर लोड और यू कैन सी दिस C8। सो अब ये मेरा रेयर टायर है, सो ये ABS फंक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइज दिस इज़ हाउ माय टायर्स। सो अभी पहला मैं इसको जाके स्टोर रूम में रख देता हूँ और अपन ऑन फील्ड में मिलते हैं फॉर आर जो मैं आपको स्पेसिफिकली ये वीडियो स्टार्ट करने का जो पर्पज़ था उसके लिए मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय। सो या गाइस जैसे कि अपन अभी ऑन फील्ड आए हैं, जो मैं आपको बताने वाला था 3 यूज़फुल मॉडिफिकेशंस इन योर बुलेट 350 ES जो आपको मैंडेटरी करना है बिकॉज अगर आप BS6 मॉडल का अगर आप 350 ES अगर आपने लिया हुआ है, विच इज़ इलेक्ट्रा एडवांस वर्जन अगर आपने लिया हुआ है, सो आपको इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें करनी है और मैंने जो किए हैं
जो मेजर 3 यूज़फुल मॉडिफिकेशन है। बाकी तो बहुत लोगों ने अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन की है, सो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, बट जो मुझे यूज़फुल लगी 3 बेसिक चीज़ें जो आपके बुलेट में होनी चाहिए, उसके लिए अपन ये स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या मैंने स्पेसिफिकेशंस करवाई है और क्या क्या उसका डिटेलिंग है। अगर आपको मार्केट से वो चीज़ परचेस करनी भी है, सो मैं आपको आई गिव दैट एड्रेस, सो आप जाके वहाँ पे एड्रेस पे जाके आप विजिट। इसका सिनेमैटिक शॉट पसंद आया होगा। सो ये सभी जैसे अपन बात करते हैं अबाउट दिस टायर, जो अपने मेरा अगर इसके पहले वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, सो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे टायर ऑलरेडी फिटेड थे मेरे बुलेट में, उसका पर्पस क्या था मुझे चेंज करने का, और चेंज करने के बाद मैंने कौन से टायर लगवाए वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दिस इज़ बेसिकली माय रैल्को के टायर्स है ये वाले, आप इसका डिटेलिंग देख सकते हो, 120, 80 एंड 18 और 62P। और ये जो मैकविल मैंने लिया था, दिस इज़ फ्रॉम कुरला मार्केट। सो ये लेने का पर्पज़ ये था कि मुझे ये मैकविल मतलब ग्रे और ब्लैक शेड जो दिख रहा है आपको, ग्रेश कलर और थोड़ा ब्लैकिश कलर, सो ये थोड़ा कॉम्बो मुझे पसंद आया था, तो और ये थोड़ा मल्टीपल रेंजेस कलर दिख रहे थे, तो इसके लिए लेने का मेरा ये मोटो था लेने का। और रैल्को के जो टायर मैंने लगवाए थे इनिशियली जो बुलेट में जब आता है टायर, सो दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 19 के हाइट के आते हैं, और ये जो अपना हाइट है ये मैंने हाइट 1 इंच कम करवा दिया, तो ये 18 का टायर मैंने लगवाया इसमें, ताकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम ना हो, ड्राइव करने के लिए बहुत इजी रहे। इसके लिए मैंने ये बेसिकली टायर चेंज किया था, इसका हाइट बेसिकली चेंज किया हुआ है, नहीं तो आप 19 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मडगार्ड को टच नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आया था कि इसको जब पिलियन को आप बिठाते हो तो इसका मडगार्ड पे इसका टच होता है क्या, सो आप देख सकते हो इसमें अच्छा खासा स्पेस बाकी है गाइस, आप देख सकते हो। और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ से, तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत स्पेस है, मतलब इसमें और भी बड़ा साइज, मतलब ये तो मैंने 120 का टायर लगवाया है, इसमें अपन और भी बड़ा टायर लगवा सकते थे, 130 का भी टायर मैं इसमें लगवा सकता था, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था, बट देन मुझे 120 का बहुत ज़्यादा हेवी टायर लग रहा था और बहुत मॉन्स्टर, आप देख सकते हो टायर का साइज़ भी थोड़ा मॉन्स्टर लुक है, तो ये ही मुझे एक्चुअली थोड़ा मॉन्स्टर टायर दिख रहा था, इसके लिए मैंने 120 ही प्रेफर किया हुआ है और मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। नहीं तो आप लगवा सकते हो, अगर आपको साइज़ बड़ा चाहिए तो आप साइज़ बड़ा भी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं लद्दाख गया था इसकी इसी के साथ, यही टायर के साथ, और मैंने काफ़ी सारा पीछे हेवी लोडेड सामान भी रखा था, बट मेरा टायर और मरगाड़ का एज सच कुछ इशू नहीं आया, वो अभी भी टच नहीं कर रहा है, और इसमें मैं अच्छे खासे 80-90 किलो का भी बंदा अगर इसमें बिठा के लेके जाऊँगा तो भी इसमें एज सच कुछ इशू नहीं आएगा, ये टायर मरगाड़ को टच नहीं करेगा, तो आप बेफिक्र होकर ये टायर ले सकते हो 120 साइज़। इसमें अगर आपको और रिस्क लेना है, आप थोड़ा एक साइज़ बढ़ा करके आप 130 का भी ट्राई कर सकते हो, बट 130 का इतना सूट नहीं करेगा, और आप पता नहीं आपके स्पीड और एवरेज को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, बट देन ये टायर तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा, ये आप डिटेल देख सकते हो, 120, 18, 80 एंड 18। तो ये कुछ इस तरह से इसका मैकविल है, आप मैकविल भी देख सकते हो। और ये जो मुझे मैकविल का कॉस्ट आया था, दैट वाज दोनों टायर का, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़, और जो मैंने टायर लगवाया था ये दोनों 18-18 के मैंने टायर लगवाए है, आगे का मेरा आगे का भी आई गेस 18 का है और ये भी 18 का है, आगे का मेरे ख्याल से 19 का टायर है, तो दिखाता हूँ मैं, यस आगे का मेरा 19 का टायर है, आप देख सकते हो 19 का, और पीछे का मैंने 18 का डाला हुआ है। सो ये दोनों टायर जो मुझे कॉस्ट गिरे, दैट वाज 4,400 रुपीज़, और मैकविल जो मुझे कॉस्ट गिरा, दैट इज 6,000 रुपीज़ दोनों टायर का, सो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करीब कुछ मेरा इसमें कॉस्ट गया हुआ है, ये दोनों के दोनों टायर और मैकविल के खर्चे में। तो ये बहुत 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 बेसिक चीज़ है, जो आपको आपके जो इनिशियल अगर आपके पास 350S अगर आपने ली है, तो इसमें आपको जो एक प्रॉब्लम फेस करने आता है, जो जो कि होता है साइज़ का, जो साइज़ आपके आप जब कंपनी से लोगे तो उसमें साइज़ बहुत छोटी आती है, तो वो बुलेट को इतनी सूट नहीं करती है, और ये टायर आप देख सकते हो कितना मॉन्स्टर लुक दिख रहा है। सो या डेफिनेटली गाइज गो फॉर इट,
और आप ले सकते हो, और इसको भी आप सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ये चैनल आपको दिख रहा है, इसमें मैं ऐसे कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ, और ये इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम है, यूट्यूब पे भी सेम नेम है, तो जाके आप विज़िट कर देना। कि ये फ्रंट टायर भी आप देख सकते हो, दिस इज़ अगर आपको दिख रहा है तो ये 90 90 90 19, तो आप समझ सकते हो ये स्पेसिफिकेशन। और ये भी आपको मैक्विल देख के आपको आइडिया आता होगा कि ये इतना खूबसूरत मैक्विल दिख रहा है ये टायर। और ये आप देख सकते हो, दिस इज़ रैल्को। सो या गाइज, ये दोनों टायर जो मुझे कॉस्ट गया आपको बताया मैंने, और ये बहुत बेसिक मॉडिफिकेशन है आपके बुलेट में जो आपको करवाना ही है। या फिर सेकंड पॉइंट, सो या गाइज, अभी जैसे आप मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फिटिंग रैक है, ये फिटिंग रैक भी प्योरली क्लासिक का ही फिटिंग रैक है जो बुलेट में ईजिली हो जाता है अटैच। जैसे यहाँ पे एक सिर्फ आपका जो बुलेट को पुश करने के लिए जो एक यहाँ पे स्टैंड लगा रहता है, वो स्टैंड को सिर्फ आपको निकालना है, और ये इसी स्क्रू में आप आराम से इस रैक को फिट कर सकते हो इजीली। तो यस, ये क्लासिक का ही रैक है, आप देख सकते हो इसका स्टैंड भी अच्छा खासा है। ये स्टैंड लगवाने का भी मेरा यही पर्पस था कि मेरे को जो मैंने लद्दाख के लिए जो मेरा टॉप बॉक्स लगवाया था, तो टॉप बॉक्स के लिए बेस के लिए मैंने लगवाया था। सो इसका जो कॉस्ट था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़। सो आप देख सकते हो बहुत प्रॉपर फिटिंग है, ये यहाँ पे भी फिटिंग है उसका, यहाँ पे भी फिटिंग है, और ये बेस बहुत 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 ज़्यादा मेटल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके ऊपर मैंने जो मेरा टॉप बॉक्स का था, टॉप बॉक्स का भी मैंने यहाँ पे, ये आप देख सकते हो टॉप बॉक्स अभी मैंने यहाँ पे फिटिंग लगवा दिया था प्रॉपरली, तो ये कभी टूटेगा ही नहीं, कभी निकलेगा भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फिटिंग है ये और बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। ये जो चीज़ है बहुत यूज़फुल चीज़ है आपकी बुलेट में लगवाने के लिए। आप यहाँ पे टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो, या भी दूसरा कुछ सामान है आप यहाँ पे लगा के उसको आराम से बांध के रख सकते हो, तो बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो यस गाइज, ये आप भी चेंजेस करवा दीजिए, बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, बट ये बहुत यूज़फुल है। 700 रुपये का कॉस्ट है, बट बहुत यूज़फुल चीज़ है आपके बुलेट में। तो ये सेकेंड मॉडिफिकेशन, बेसिक मॉडिफिकेशन आप बुलेट में करवा सकते हो विथ रैक एंड विथ टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स के लिए जो बेस लगेगा कैरियर के लिए, सो बेसिकली ये बेसिक मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो। जो थर्ड चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके पहले, वो इम्पॉर्टेंट थर्ड चीज़ के पहले मैं आपको ये जो बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट ब्रांड और प्रमोशन पोस्ट बट देन वीडियो, बट देन ये जो बैबो का जो मैंने लगवाया था यूएसबी चार्जर 3.0, ये बहुत मुझे यूज़फुल है, मतलब बहुत यूज़फुल हुआ मेरे को, लद्दाख ट्रिप में भी यूज़फुल हुआ, हम्पी ट्रिप में भी बहुत यूज़फुल हुआ। तो आप इसको लगवा दीजिए, अमेज़ॉन पे इसका अवेलेबल है प्रोडक्ट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से खरीद दीजिए। और ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये अच्छे से विद इसका ओपन भी होता है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये परचेस करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट अपना वीडियो का जो बेसिक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, सो गाइज, अगर आप ये फ्रंट रेस फ्रंट साइड से अगर आप देखोगे बुलेट को, सो यहाँ पे जो ये लाइट जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये लाइट का रात के टाइम जो विजन है बहुत कम बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे मुझे मतलब एज सच इतना प्रॉब्लम आया नहीं, बिकॉज मेरे पास मैंने ऑलरेडी 2 फॉग लैम्प लगवा दिए थे। बट देन इस लाइट को आप अगर आप पॉसिबल हुआ तो आप मॉडिफाई कर दीजिए, आपको LED लाइट्स ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से खरीद लगा सकते हो। और इसका एज सच अभी जितने भी BS6 के मॉडल्स आ रहे हैं उसमें सब गाड़ियों में ऑलरेडी LED लाइट्स आ रही है। सो अगर आपको आपके पास अगर ऑप्शन है अवेलेबल, तो आप ये चेंजेस करवा दीजिए, बिकॉज बहुत यूज़फुल है। बट मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था इसका विजन का, इसलिए मैंने जो लगवाया था ये फॉग लैम्प मैंने लगवाए थे। सो फॉग लैम्प जो मैंने लगवाया है दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ जो मुझे कॉस्ट गिरा था दोनों फॉग लैम्प का, और ये अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है इस फॉग लैम्प में, अभी प्रॉब्लम फेस होने लगा है ऊपर का जो 2 लाइट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें करीबन 6 लाइट्स है LED लाइट्स, तो ऊपर के जो 2 लाइट्स है वो थोड़ा इसका विजन बहुत कम हो गया है। बट अभी के लिए फिलहाल मैं इसी को वैसे रखा हूँ, बट या मैं LED वाला ये चेंज करने वाला हूँ सून, और मैं इसको अपडेट भी करूँगा कि मैं कौन सा LED लगवा रहा हूँ और क्या चीज़ लगवाऊँगा। बट ये या गाइज, जो ये थर्ड बेसिक यूज़फुल मॉडिफिकेशन है जो लाइट का, ये आपको करवाना है, और बहुत मैंडेटरी चीज़ है और बहुत यूज़फुल भी चीज़ है ये। सो यस गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 बेसिक यूज़फुल मॉडिफिकेशन है जो आपको आपकी बुलेट में करवानी है, और आपको बहुत मैंडेटरी भी है, और बहुत सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अगर आप चेंजेस कर दोगे तो आपका बुलेट जो है बहुत मॉन्स्टर लुक दिखेगा आपकी बुलेट का। तो अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए जो यहाँ से मैंने मैकविल ख़रीदा और टायर जो ख़रीदा है, तो आप जाके कुर्ला मार्केट से खरीद सकते हो, उसका मैं डिटेल आपको नंबर के साथ आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे विज़िट करना। और सेकेंडली, जो बैबो का चार्जर लिया था मैंने, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी लेना अमेज़ॉन से, बहुत रीज़नेबल कॉस्ट है।
और बहुत यूज़फुल भी है। रीज़नेबल कॉस्ट नहीं बोल सकते बिकॉज थोड़ा कॉस्ट एड पेड एक्सपेंसिव, 1700 रुपये मैंने पे किया था उसका, उस छोटी सी चीज़ का, बट देन बहुत यूज़फुल चीज़ है। मुझे अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ ना, लोकल वो प्रोडक्ट लोकल लेने से बेटर है। आप अगर ब्रांडेड लोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप वो चीज़ को आपके लोकल मतलब आपके ट्रैवल पे, आपको जहाँ पे चार्जिंग स्पॉट अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ आपको चार्जिंग का आपका एक सलूशन है। जाइए और विजिट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा सो गाइज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइज आपको करना क्या पता है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर नोटिफिकेशन आएंगे। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड।